सोलन व्यापारियों और जिला प्रशासन के बीच नफरत की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन अतिक्रमणकारियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहा है। वहीं इस कार्रवाई के विरोध में कुशल जेठी ने सोलन के कारोबारियों के साथ मिलकर विद्रोह का बिगुल बजा चुके हैं और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। हद तो ये है कि इस विवाद में भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय नेता सोलन के मंत्री राजीव सैजल और विधायक धनीराम शांडिल जिन्हें मध्यस्थता करनी चाहिए, उन्होंने व्यापारियों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया है, जिसके चलते व्यापारियों और प्रशासन के बीच विस्फोट की स्थिति बन चुकी है। व्यापारी अतिक्रमण छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहा और प्रशासन अतिक्रमण को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ऐसे में इस विवाद का अंत कैसे होगा, इसके केवल क्यास लगाए जा रहे हैं। सोलन व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष कुशल जेठी ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर वे अपनी ये कार्रवाई बंद नहीं करेगा तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और कार्रवाई का पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि सोलन का व्यापारी शांति के साथ व्यवसाय करना चाहता है, लेकिन जिला प्रशासन की कार्रवाई ने उनके नाक में दम कर दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार और स्थानीय नेताओं को जगाने का प्रयास किया और कहा कि सोलन के व्यापारी भी उनके वोटर हैं और वे हिमाचल का हिस्सा हैं, इसलिए वे अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं। हमारे को परेशान करते हुए एक हफ्ते से हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कभी नगर परिषद वाले, कभी फायर ब्रिगेड वाले रोज आ रहे हैं। त्योहारों के दिन है, जैसे जिमीदार का टमाटर सीजन होता है, हमारा भी त्योहारों का दिन होता है। हम पूरा साल इसी त्योहारों के दिनों की इंतजार करते हैं, लेकिन कहाँ खो बैठा प्रशासन। आज जानबूझकर किस खुंदक को निकालने के लिए रोज प्रशासन के अधिकारी बाजार में आके व्यापारी को तंग कर रहा है। आज हम परेशान हो चुके हैं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर यही सिलसिला इनका जारी रहा, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। सोलन में किसी को सब्जी दूध ब्रेड भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, अगर ये प्रशासन का रवैया जारी रहा, ये कहाँ की गुंडागर्दी है? ये आज तक 50 साल हो गए, हमने कभी नहीं देखा कि ऐसा कोई अधिकारी आके दुकानदार को परेशान करे। आपके सामने है यार, त्योहार के सीजन है, हम किसको परेशान कर रहे हैं? अपनी रोजी रोटी कमा के खा रहे हैं, हमने किसी को क्या गलत बोला है? लेकिन उसके बाद ये सरकारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी।